अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चढ़ा मन्नत, फालतू की दलीलें देना ना बंद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम में भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम भले गुस्से में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान लेने के लिए खड़ी हो जाओ। तो मैं और क्या करूँ जुबान, जीना आराम करके रखा है मेरा उस इबादत ने। इबादत ने कुछ नहीं किया मन्नत, कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तुम किसी का शौहर छीनने की कोशिश करोगी, बंद कमरे में अपने गुनाहों का बाजार सजाओगी, दूसरी औरत बनके किसी का घर उजाड़ोगी तो दुनिया तो तुम्हें गालियां ही देगी। चुप हो जाओ इबादत। क्यों चुप हो जाऊं मैं? तुम्हें आईना दिखा रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है, तुम एक नंबर की बेहया बेशरम। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। कम से कम मेरी तबीयत का तो लिहाज करो यार। मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि तुम दोनों की बकवास सुनो, प्लीज। अमन्नत, 100 बात की 1 बात, तुमने गलत किया। तुमने इबादत की जान लेने की कोशिश की और इबादत, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पलट कर मन्नत पे वार करोगी। सुभान, मैंने मन्नत पे इसलिए पलटवार नहीं किया है क्योंकि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं तो रिश्तों में जान लुटाने वाली लड़की हूं। मैंने इसकी जान लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि इसने मुझसे मेरा गुरूर, मेरे सुभान को छीनने की कोशिश की। मुबारक हो दुआ बेगम, इस घर में मेरे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का आकाश शुरू हो गया। इस बार मैं तुम्हें ऐसा बिखेरूंगी कि कोई तुम्हें समेट नहीं पाएगा। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप अचानक आ गई ना तो मैं डर गई थी। I'm so sorry. मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए बिना इजाजत दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। मैं पानी लाई थी तुम्हारे लिए। थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।